सलोनी हमारे साथ हमारे बीच में नहीं रह सकती। उसे यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे डिमांड पूरी करने के लिए मिस्टर चौहान ने अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। इस काले टीके से ना तेरे और तेरे होने वाले बच्चे को कल तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रहे थे कि मेरे पैसे कमाने का तरीका अच्छा नहीं है, और आज उसी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को हाथ लगा लेंगे। कभी घर के आंगन से बाहर कदम रखा हो तब जानेंगे ना कि कामकाजी औरतों की अपनी समस्या भी होती है। अगर वो तुम्हारा परिवार है, वो तुम्हारे अपने हैं, तो हम लोग कौन हैं? आप सब मेरे पति के रिश्तेदार हैं। आपकी पहचान सिर्फ परिवार की बहू के अलावा है क्या? बताइए कैसे आप विश्वास करें? हो सकता है मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है।
बाहर बाहर दरवाजा खोलो। बाहर बाहर दरवाजा खोलो। बाहर मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। दरवाजा खोलो प्लीज। हाँ दरवाजा खोलो ना। के बीच दीवार बन के खड़ा हूं। आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैं इसी राह पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूं। मेरी जरूरी नहीं है उसके भेस में कोई और। जब तुम्हें मेरी खुशियों से कोई लेना देना ही नहीं तो फिर सवाल कैसे किस लिए? कितना चाहा है मैंने तुम्हें, कितना प्यार किया है और तुमने मेरे प्यार की कोई कदर नहीं की। हक तो तुमने खो दिया। चलो इस घर से रिश्ता रखने का, हमारा अपना कह देने का, इस घर की पत्नी और मेरी पत्नी होने का हक तो तुमने खो दिया। चलो इस घर से रिश्ता रखने का, हमारा अपना कह देने का, इस घर की पत्नी और मेरी पत्नी होने का, मेरी पत्नी होने का, मेरी पत्नी होने का। औरत बेहोश पड़ी सड़क पे, हमें उसकी मदद कर लीजिए। चलिए कौन हो सकता है? देखिए जरा कौन है यार। अरे अरे सलोनी, अरे शुभ्रा, क्या हुआ सलोनी को? सलोनी क्या हुआ जब ऐसा ऐसे? ये सलोनी को क्या हो गया? सर क्या हुआ? बाबा जी हम लोग पीयूष को डॉक्टर कैसा दिखा कर आ रहे थे, रास्ते में सलोनी जी दिखाई दी, सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन
सलोनी इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रही थी? जाओ जल्दी से लेमन जूस लेके जाओ। किसी पार्टी से चढ़ा कर आ रही हो और क्या? नशे की नई नई आदत जो पड़ गई है सलोनी को, सलोनी की ऐश और मेरी मुसीबत, आधी रात को सेवा करवा रहे। अब ये किसका बखत का फोन आ गया? ये भी ना निशाचर से कम नहीं है, खुद तो सोता नहीं और दूसरों को सोने नहीं देता। कहिए कवर साहब, क्या बात है? क्या बात है कावेरी जी, आप तो फट से मेरी आवाज पहचान गए। लेकिन क्या बोलूं मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। देखिए, डायलॉग बाजी करने का मेरा कोई मूड नहीं है। अजी कावेरी जी, मूड बनते एक सेकंड नहीं लगेगा। अगर आप अपने ननद के कारनामे सुनेंगी तो होश उड़ जाएंगे आपके। अब क्या किया सलोनी जी? क्या बताऊं, जिस खुशखबरी के कारण घर वाले उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे, उनके उनके नखरे और बदतमीजियों को सह रहे थे, उसी का दी एंड करके आ गई हम। कवर साहब, कोई बात सीधी तरीके से क्यों नहीं करते जी? वो क्या है, सलोनी जी चुपचाप बिना किसी को बताए अपने होने वाले बच्चे को खत्म करके आ गई। क्या सलोनी जी ने अबॉर्शन करवा लिया? जी घर में भूचाल सा आ गया। नार बन्ना ने गुस्से में आकर उन्हें क्या करारा तमाचा मारा। और तो और, भाभों ने खुद धक्के मार के उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब जी आई, साल की सबसे अच्छी खबर सुनाने के लिए शुक्रिया कवर साहब। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा, समर बुला रहे। हेलो, काट दिया। सॉरी सलोनी जी, मैं तो बेकार में ही आपको इतनी आधी रात में अपने घर में देखकर नाराज हो रही थी। आपने तो बहुत अच्छा किया जो आपने मेरे घर में दस्तक दी। नीचे खोल बेटा आंखें। सलोनी बेटा। सलोनी दी अकेली थी, कवर साहब को अकेले रोड पे मिली थी। मतलब नाहर बन्ना और उनके घर वालों को नहीं मालूम है कि सलोनी दी कहाँ है। कितनी देर से घर से बाहर होंगी वो। आई थिंक हमें एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए फोन करके। हाँ, मैं फोन करती हूँ। हेलो खम्मा घड़ी भाभो, मैं अंबिका बोल रही हूँ। भाभो, आप सलोनी की चिंता मत कीजिएगा, सलोनी इस वक्त हमारे पास है। थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही तबीयत ठीक होती है हम उसे लेके आपके पास आ जाएंगे। आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अंबिका जी, अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, सलोनी मर चुकी है हमारे लिए। ये आप क्या कह रही बाबू? अरे सलोनी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए इतनी बड़ी बात आप कह रही हैं? वो आपकी बहू है। सही मानों में हमारी बहू होती ना तो ऐसा अधर्म ना करती। उसने हमारे कुल के दीपक को ही बुझा दिया, इस घर के वारिस को पैदा होने से पहले ही मिटा दिया। एक बच्चे को इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही उसकी सांसें छीन ली सलोनी ने। मर चुकी है वो हमारे लिए। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मम्मी जी, सलोनी जी को होश आ गया। सलोनी बाबू ने जो कहा क्या वो सही है? तूने अपने अजन्मे बच्चे को खत्म कर दिया। मैं तुझसे कुछ पूछ
जवाब दे सलोनी। भाभा ने सही कहा है मम्मी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। तूने क्या किया सलोनी? बेचारे कवरसा और उनके घर वाले कितनी बेसब्री से पलकें बिछाए अपने खानदान के चिराग का इंतजार कर रहे थे। क्यों सलोनी दी, आपने उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही मिटा दिया। इस घड़ी का इंतजार तो हर औरत को होता है। तुम्हें तो मां बनना चाहती थी, फिर गोदारी होने के बाद तूने इतना बड़ा पाप क्यों किया सलोनी? मैं समझ सकता हूं कि हमारे संदेहों पर क्या बीत थी। इतने भले लोगों का दिल दुखाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अरे कुछ तो बोलेगी तू, कुछ तो बोल। अभी भी तुम पत्नी खड़ी रहेगी, क्या नहीं क्या है तू? सारी बातें सुनने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था। बार बार अपने मन को समझा रही थी, नहीं मेरी सलोनी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज सब कुछ सुनने के बाद और तेरी ये चुप्पी मजबूर कर रही है मुझे ये कहने के लिए कि शायद अपने खून को पहचानने में मैंने गलती कर दी। संसार की कौन सी खुशी पाने के लिए तुमने अपने संतान को मार डाला? बोल सलोनी, बोल। नफरत हो गई है मुझे, तुम जैसी औलाद को पैदा करने से तो अच्छा था। माता जी,